मध्य प्रदेश में नहीं थम रहा संक्रमण, अब तक 2338 कोरोना पॉजिटिव केस, 117 लोग गंवा चुके हैं जान, इंदौर में 1372 और राजधानी भोपाल में 422 पहुंचा आंकड़ा। कोरोना के बाद मध्य प्रदेश में आर्थिक संकट की आहत, सीएम शिवराज बोले लॉकडाउन से 26,000 करोड़ के राजस्व नुकसान की आशंका, अर्थशास्त्रियों का सुझाव सीएसआर फंड हो सकता है कारगर। कोरोना संकट के बीच मध्य प्रदेश में गरीबों के हक पर डांका, भोपाल में मनमर्जी से बांटा जा रहा राशन, 15,000 उपभोक्ताओं के आधार नंबर सर्वे से डिलीट, 80% दुकानों पर नहीं बांटी गई दाल। छत्तीसगढ़ में परिवहन से बड़ा कोरोना का खतरा, प्रदेश से रोजाना 45 ट्रकों की हॉटस्पॉट मुंबई से आवाजाही, ड्राइवर और कंडक्टर से फैल सकता है संक्रमण, सीमावर्ती जिलों की सीमाओं को सील करने के निर्देश। और राजस्थान के कोटा से छात्रों को लेकर निकली बसें राजधानी रायपुर पहुंची, सड्डू के प्रयास संस्था में बच्चों के रुकने की व्यवस्था, कॉम्बो रैपिड टेस्ट किया जाएगा क्वारंटीन, बच्चे बोले थैंक यू सरकार।